मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मुझे अभी पता नहीं है, आज 14 मई है कि ये मैडम जो कि प्रतिभापूर्ण है, नाभिका जी ने इन्हें सरस्वती बुद्धि में और झांसी की रानी पराक्रम में करके माधवी लता जी को संबोधित की थी और मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन ये चुनाव हैदराबाद का इनको भारत देश की एक महान ज्ञानी पराक्रमी यशस्वी प्रतिभाशाली नायिका के रूप में प्रकट किया है। इनका भविष्य देश की सेवा में सूर्य की रोशनी की तरह पूरे भारत के हर क्षेत्रों में जरूर प्रकाशित होगा, क्योंकि इनकी कार्यकुशलता, क्षमता, गंभीरता, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, मानवता के लिए अद्भुत प्रेम और स्नेह इन्हें अवश्य इस भारत माता की सच्ची बेटी के रूप में प्रकट करेगा। इनका भविष्य मैं जानता हूँ। ये अद्भुत पराक्रमी यशस्वी माधवी लता जी देश के सूर्य की तरह चमकेंगे। आज इनका उदय हो रहा है। इस चुनाव के पहले बहुत कम लोग इनको जानते थे, लेकिन आज विश्व में इनका नाम फैल गया है। ओवैसी साहब हैदराबाद के सांसद कई वर्षों से रहे हैं, कई सालों से रहे हैं, 4 बार बन चुके थे, लेकिन 4 जून को ये तय होगा कि क्या होगा। लेकिन बहुत कुछ हो गया है। माधवी लता जी हमेशा जीतती रही है। इलेक्शन बहुत छोटी सी इनके लिए एक मुकाम थी। जीत गए तो वाह वाह, लेकिन ये तो जीत चुकी है। ये भारत माता की बेटी यशस्वी प्रतिभाशाली चंडी के रूप में, दुर्गा माता के रूप में, सरस्वती की क्षमता रखने वाली, मानवता के लिए सहानुभूति और प्रेम रखने वाली हर दिलों में राज कर रही है। मैं इनको दिल से शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भारत माता की सच्ची बेटी के रूप में इनके प्रतिभा का असर हर कोने कोने में होगा और ये भारत के राजनीति के क्षितिज में बिल्कुल एक सूर्य की तरह उगेंगी। जय हो, जय हो, जय हो भारत की बेटियाँ, आप एक महान हैं। जय हो, सबसे प्यार करती हैं। इनको प्यार करने का बहुत सारे कारण हैं मेरे दोस्त। इन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भेद नहीं समझा, जाति धर्म मजहब क्षेत्र में कभी भेद नहीं समझा। इन्होंने अपनी सेवा हर तबके के लोगों को दिया है। ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में, जब नाभिका जी ने इनसे सवाल पूछा तो इतनी क्षमता से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए कि हर दिल अजीज बन गए। एक दर्शक ने इनसे सवाल पूछा कि आपने बहुत सारे काम मुसलमान भाइयों के लिए किया है, बहनों के लिए, क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो लोग आपको वोट देंगे? तो इन्होंने बोला, मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी सेवा की कीमत नहीं लगाता। देनहार कोई और है, जिंदे बतरेन, ये क्षमता हमें प्रभु शक्ति से मिला है। इसीलिए सूर्य की रोशनी की तरह मैं हर जगह अपनी रोशनी फैलाता हूँ। मैं उसके बदले कोई रिटर्न नहीं चाहिए मुझे। मैं सेवा किया, कर रही हूँ और करता रहूँगी। क्या बोली मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माँ के दूध का कोई कीमत नहीं होता है।